और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, G20 सम्मेलन की तैयारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर। G20 समिट के दौरान दिल्ली मेट्रो के 39 स्टेशन के 67 गेट बंद करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। दिल्ली मेट्रो के लिए नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर ही यात्रियों की एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी और बाकी के मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए खुले रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वीवीआईपी रूट और मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट थोड़े थोड़े समय के लिए रोकी जा सकती है। वहीं 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में मेट्रो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती रहेगी, यानी मेट्रो के किसी भी रूट को बंद नहीं किया जाएगा। टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का। ये सोचना कि पूरी तरह से कोई मेट्रो स्टेशन बंद है प्रगति मैदान के अलावा वो सही नहीं है।